हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइस, आज की डेट है 17 मई और सुबह के 7 बज रहे होंगे। हाँ, 7 ही बज रहे होंगे क्योंकि इनके लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ मैं। एक्चुअली यहाँ पर बन रहा है रोटी का चूरा। और किस किस को रोटी का चूरा पसंद है ज़रूर कमेंट करके बताना मुझे। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे घर पे मेरे हस्बैंड को तो उससे भी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इनको अगर रोटी का चूरा मिल जाए ना तो दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए। और वैसे रोटियाँ बिल्कुल बचती नहीं है घर पे, तो कल की ना सुबह की रोटी बची थी, क्योंकि बहुत सारी रोटी बनाई थी मैंने सुबह और किसी ने ज़्यादा खाना ही नहीं खाया था यार, तो इसीलिए ना वो रोटी वैसे ही बची थी। तो मैंने सोचा चलो इसको फ्रिज में रखते हैं, क्योंकि बाहर रखने से ना इस टाइम रोटियाँ ख़राब हो जाती है, तो इसीलिए मैंने फ्रिज में रख दी थी। और क्योंकि मुझे पता था कि ये शाम को खाई नहीं जाएगी और फिर उसके बाद तो ये रोटी वैसे की वैसी रहेंगी, अगर बाहर रखती तो रोटियाँ ख़राब हो जाती, तो मैंने ना फ्रिज में रखी थी। तो वो रोटी ना आज काम आ रही है, तो मैंने सोचा चलो इसका रोटी का चूरा बना देती हूँ और ब्रेकफास्ट में अच्छा भी लगेगा। तो इनके लिए टिफ़िन में भी दे दूँगी और फिर घर पे खाने के लिए भी हो जाएगा थोड़ा सा, तो इसीलिए मैं रोटी का चूरा यहाँ पे बना रही हूँ। सबसे पहले ना मैंने ऑयल में वो डाल दिया है। अगर आपको बनाना आता है तो आपको पता होगा, बट अगर नहीं बनाना आता है तो मेरी रेसिपी भी देख लीजिए मैं कैसे बनाती हूँ। बहुत से लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं, बट मैं कैसे बनाती हूँ वो मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। एक्चुअली मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया था कढ़ाई में, और उसके बाद मैंने मूँगफली भून ली थी तेल में, मतलब फ्राई कर ली थी। उसके बाद वो क्रिस्पी हो जाती है मूंगफली। उसके बाद ना मैंने जीरा और राई डाली, उसको चटकने के बाद मैंने उसमें ऐड किया है हरी मिर्च कटी हुई, और उसके बाद प्याज लंबा लंबा काटा हुआ तो वो ऐड किया है। और उसके बाद अच्छे से उसे प्याज को भून लूँगी, मतलब इतना भी ज़्यादा भूनना नहीं है, बट थोड़ा सा, जैसे हम लोग उसके लिए नहीं भूनते हैं क्या बोलते हैं तो क्या है तो पोहा के लिए, तो वैसे हमें भून लेना है अच्छे से उसे प्याज को। और उसके बाद उसमें मसाले डालने हैं, जैसे कि हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा ध्यान से डालना है, क्योंकि हमने उसमें ये डाला है ना क्या बोलते हैं, हरी मिर्च डाली है इसी वजह से। और उसमें ना धनिया पाउडर भी डाल देना है आपको। और बहुत सारी रोटियां बची थी यार, आप देख सकते हो कितनी सारी रोटियां बची थी, तो उसका मैंने चूरा बनाया तो काफ़ी सारा हो गया था। और उसके बाद ना मैंने पोहा भी बनाया था भाई और भाभी के लिए, तो ये चूरा तो फिर वैसे बचा, तो ये तो वैसे खाया जाएगा ही क्योंकि बहुत पसंद है सबको, तो खाया जाता ही है। बट वो ना भाई और भाभी जाने वाले थे उसके मायके, मतलब भाभी के मायके, तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो उसके उनके लिए अलग सा बना देती हूँ। तो उनके लिए मैंने बाद में पोहा भी बना दिया था, तो वो तो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि पोहा की रेसिपी बहुत बार मैंने शेयर की है आप लोगों के साथ। इसकी भी रेसिपी शेयर की है ऑलरेडी मैंने रोटी के चूरे की, इससे पहले जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर है उन्हें पता होगा, बट अभी मैंने सोचा चलो आज भी शेयर कर देती हूँ मैं। तो इसके बाद ना मैं उसमें मैंने डाल दिया है चूरा रोटी का और अच्छे से उसे मिक्स कर लूँगी क्या बोलते हैं। और चूरा ना थोड़ा सा मैं बारीक करती हूँ, बहुत से लोग ना थोड़ा सा वो करते हैं मोटा मोटा सा रखते हैं, बट मैं थोड़ा सा बारीक करती हूँ ना, बहुत टेस्टी लगता है ये, तो इसीलिए मैं उसमें मैंने बारीक सा चूरा बना दिया है रोटी का और उसमें अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ताकि ये क्या बोलते हैं सारा मसाला इसमें लग जाए अच्छे से। और अगर ये थोड़ा सा ड्राई है तो आप उसमें पानी ऐड कर सकते हो, थोड़ा सा ऊपर से पानी ऐड कर सकते हो, एकदम हल्का सा छील का डाल सकते हो पानी का। और उसके बाद उसमें ढक्कन रख के उसे स्टीम आने देना है आपको, और नमक ऐड करना है, नमक थोड़ा सा ध्यान से ऐड करना है क्योंकि ऑलरेडी हमने नमक ऐड किया होता है रोटी जब बनाते हैं हम लोग, तो आटे में नमक ऐड करते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से नमक ऐड करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा नमक हो जाए तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। और इसी वजह से फिर थोड़ा सा नमक मैंने ऐड किया है, अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद ना मैं थोड़ी सी चीनी ऐड करूँगी, और चीनी किसी भी चीज़ में अगर थोड़ी सी ऐड करते हो ना आप, जैसे कुछ ब्रेकफास्ट बनाते हो जैसे कि उपमा या पोहा या रोटी का चूरा या कुछ भी अगर बनाते हो, तो उसमें अगर चीनी थोड़ी सी ऊपर से ऐड करते हो ना, बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है उसका। आप ज़रूर ट्राई करके देखना एक बार, क्योंकि मैं जब भी बनाती हूँ ना कुछ ऐसे ब्रेकफास्ट में, तो मैं चीनी ज़रूर ऐड करती हूँ ऊपर से, और उसके बाद उसकी टेस्ट तो और रही यार बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो अभी इस पर मैं ढक्कन रख दूँगी थोड़ी सी, थोड़ा सा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा मुझे वो नहीं लग रहा था, ड्राई नहीं लग रहा था, इसी वजह से मैंने ढक्कन रख दिया। और अभी मैं इसे स्टीम आने दूंगी, तब तक मैं ना उसमें थोड़ी सी चीनी मैंने बोला था ऐड कर रही हूँ चीनी। और इधर मैंने चाय भी रख दी है इनके लिए, क्योंकि
क्योंकि इनको जब भी मैं ब्रेकफास्ट टिफिन में भर के देती हूँ ना इनका, तो उसके बाद ये थोड़ा सा घर पे भी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, तो उसके साथ चाय चाहिए होती है इन्हें। और हाँ, ये बिल्कुल ब्रेकफास्ट बिना चाय के नहीं करते हैं, मतलब चाय सॉरी बिना ब्रेकफास्ट के चाय नहीं पीते हैं, मैं उल्टा ही बोल रही हूँ पता नहीं क्यों। तो बिना ब्रेकफास्ट के चाय नहीं पीते हैं, अगर ब्रेकफास्ट करते हैं तभी चाय पीते हैं, खाली पेट चाय पीते ही नहीं है, कभी भी इनको मैंने देखा नहीं है कि खाली पेट चाय पीते हुए। तो अगर चाय के साथ ब्रेकफास्ट कुछ है नहीं बनाया हुआ, तो मतलब घर पे अगर रहते हैं तो कुछ बनाया हुआ कभी नहीं रहा, अगर चाय पीना रहा तो नमकीन ही ले लेते हैं थोड़ा सा और उसके साथ खाते हैं, बट कभी भी ब्रेकफास्ट के बिना चाय नहीं पीते हैं, ये खाली पेट तो कभी भी नहीं पीते हैं। तो ये इनकी आदत है, बहुत से लोगों की अलग अलग आदत होती है। तो यहाँ पर मैंने चाय भी बना दी है अपने लिए, और ये अपने लिए बोल रही हूँ, इनके लिए और मेरे लिए भी, दोनों के लिए भी हो गई थी ये। और उसके बाद ये यहाँ पर मेरे रोटी का चूरा भी बन गया था, तो अभी मैं धनिया पत्ता ऐड करके उसमें मिक्स कर लूँगी और उसके बाद उनका ब्रेकफास्ट टिफिन भी भर दूँगी और इनके लिए घर पर भी खाने के लिए ब्रेकफास्ट दे दूँगी। तो बस उनका यही रूटीन रहता है मेरा सुबह का, तो आपको तो पता ही है, और इसीलिए मैं व्लॉग ज़्यादातर शूट नहीं कर पाती हूँ सुबह, बहुत जल्दबाजी में होती हूँ तो इसीलिए। और आज ना भैया भाभी भी, मतलब भाई और भाभी भी उसके मायके जाने वाले थे, जैसे कि मैंने आपसे शेयर किया था कि मेरी सिटी में ही उसका मायका है मेरी भाभी का, तो इसी वजह से यहाँ पर आता है, तो दोनों से भी मिलना हो जाता है, जैसे मुझसे भी मिलना हो जाता है, उसके मम्मी पापा से भी मिलना हो जाता है। तो वो थोड़ा सा 2-4 दिन के लिए आ गए थे, इनकी ड्यूटी के थोड़ा सा वो जल्दबाजी रहती है, तो इसी वजह से मैं सुबह नहीं कुछ कर पाती हूँ। और फिर इनके लिए मैंने ये ब्रेकफास्ट निकाल लिया है, अभी इनको ब्रेकफास्ट दे दूँगी और चाय दे दूँगी और उसके बाद ये ड्यूटी चले जाएंगे। और उसके बाद ना मैंने पोहा बनाया था, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो भाई और भाभी के लिए पोहा बना दिया था ब्रेकफास्ट के लिए, और वो भी ब्रेकफास्ट करके ही गए थे, मतलब खाना वगैरह नहीं खा के गए थे वो, तो जल्दबाजी में थे। सुबह सुबह अगर मतलब वो होता है ना यार, लॉकडाउन है और बाहर नहीं घूम सकते, तो और आज ना कर्फ्यू भी था, जनता कर्फ्यू, तो बोल रहे थे कि जल्दी अगर निकल जाए तो अच्छा रहेगा, तो इसी वजह से वो जल्दी चले गए थे सुबह सुबह ही ब्रेकफास्ट वगैरह करके। तो ये ड्यूटी जाने के बाद यहाँ पर ये जा रहा है भाई और भाभी मेरे, उसके मायके लिए, उसको ना 2 महीने हो गए यहाँ पे आए हुए, मतलब मम्मी के यहाँ पे आए हुए, तो उसको 2 महीने हो गए। उसने ना मुझे ही बुलाया था जैसे वो आया था यहाँ पे, वहाँ पर जैसे ही कोरोना स्टार्ट हो गया था, मतलब कोरोना के पेशेंट दिख गए थे पुणे में, तो वो सेफ्टी के लिए घर पे आ गया था, मतलब उसको लगा था कि अच्छा रहेगा घर पे जाएंगे, तो वो और उसकी वाइफ को लेके आ गया था वो, और 2 महीने से वहाँ पर ही है। एक्चुअली उसने ना मुझे पहले पहले वहाँ पर ही बुलाया था घर पर मिलने के लिए, तो मैं जाने ही वाली थी उससे मिलने के लिए, बट कुछ रीज़न की वजह से, पता नहीं कौन सा रीज़न था, तो पोस्टपोन हो गया था 1-2 दिन मेरा। मैंने सोचा बाद में जाऊंगी, बट उसके बाद ना लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, तो अच्छा हो गया यार मैं गई ही नहीं, नहीं तो फिर लॉकडाउन में फंस जाती मैं, और फिर मुझे आने के लिए भी नहीं मिलता यहाँ पे। बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ है जो कहीं गए हुए थे और वो लॉकडाउन की वजह से वहीं पर फंस गए और आने के लिए नहीं मिला उनको। Hey guys, good evening, और अभी बज रहे हैं शाम के 7:30, और अब जाके मैं नहा के फ्रेश होके आपसे बात कर रही हूँ। अब जाके मुझे टाइम मिला है, मैंने सोचा चलो आपसे बात करती हूँ, और किचन में जाने से पहले आप लोगों से बात कर लेती हूँ, फिर किचन में जाने के बाद तो फिर बिजी हो जाती हूँ, उसके बाद फिर बात करना नहीं होता है इतना। और आज तो डिनर में भी इतना कुछ खास नहीं बनने वाला है, क्योंकि डेली डेली हो रहा है कि कुछ ना कुछ खास बन ही रहा है, डेली डेली हेवी हेवी सा डिनर बन रहा है, तो आज हमने सोचा कि कुछ लाइट सा खाते हैं, तो बाद में देखेंगे। मैं सोच रही हूँ कि दाल चावल बना दूँ या दाल चावल नहीं तो फिर खिचड़ी बना दूंगी, इनसे पूछती हूँ पहले, एक तो दाल चावल बना दूंगी नहीं तो फिर खिचड़ी बना दूंगी, ऐसे कुछ इसमें से बनाऊंगी। तो अभी पहले किचन में चलती हूँ क्योंकि मुझे चाय पीने का मन कर रहा है यार, तो सबसे पहले किचन में चलती हूँ। और हाँ, मैंने आज ना दोपहर में खाली बैठी थी तो ये किया था, मतलब नेल आर्ट किया था, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से किया है, मतलब एक्चुअली इतना भी खास नहीं है, बट फिर भी सिल्वर एंड ब्लू कलर में, तो ये वाला ऐसे नेल आर्ट किया है। तो कैसे लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, सिंपल सा है यार, इतना कुछ मुझे नेल आर्ट वगैरह नहीं आता है, फिर भी करने का ट्राई किया है, तो मैं सोचा चलो आपसे शेयर कर देती हूँ, छोटी छोटी सी बातें आपसे शेयर करती हूँ, तो ये भी शेयर कर देती हूँ आपको, मतलब पूछने के लिए कोई है नहीं, और इनसे पूछो तो ये कुछ इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं इन सारी चीज़ों में, तो इसीलिए मैं आप लोगों से ही पूछ सकती हूँ, आपसे पूछ लेती हूँ कि कौन सा अच्छा लगता है और कौन सा नहीं। तो चलिए पहले किचन में चलते हैं और उसके बाद फिर बात करती हूँ आपसे।
सोच रही हूँ कि अपने लिए चाय बना रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी भी नींद में ही हूँ। आज ना बहुत अच्छे से नींद हुई पूरी, क्योंकि क्या हुआ था कि 2-3 दिनों से लव बर्ड की वजह से ना बिल्कुल बच्चे भी सो नहीं रहे थे, और उसके पापा भी बच्चे बन गए थे वो भी सो नहीं रहे थे, तो इसीलिए ना आज मैंने उनको थोड़ा सा डांट डपट करके सुला दिया था और मैं भी सो गई थी दोपहर में। तो अभी ऐसा लग रहा है कि नहीं, आज इतने दिनों के बाद, 2-3 दिनों के बाद आज नींद पूरी हुई है, और ऐसा लग रहा है कि अभी भी मैं नींद में ही हूँ। नहाने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि नींद में ही हूँ। तो चाय बना लेती हूँ फर्स्ट क्लास अपने लिए, इन्होंने तो चाय पी ली है सब लोगों ने, मैं ही जब नहाने गई थी तो मेरी चाय बाकी है, तो अपने लिए चाय बना लेती हूँ अकेले के लिए। पता नहीं ये पियेंगे। आहो आहो, तुम्हें चाय पिसल का नहीं बोल रहे, चाय नहीं पियेंगे, तो मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ थोड़ी सी। नहीं बस पलटो पलटो डिमांड कर रहे थे और मैं पूरी नहीं कर पा रही थी इनके गाने की, मतलब इनका गाना आपको सुनना था, तो वही मैंने सोचा चलो आज आपको सुना देती हूँ। ये गाना गा ही रहे थे तो मैंने सोचा आज शूट कर लेती हूँ और आपको सुना देती हूँ। तो चलिए रेडी हो गए हैं सिंगर यहाँ पर गाना गाने के लिए। तो अरे गाइए, कौन सा गाना गाने वाले हो आज आप? आज पल पल के पास। अरे वाह, चलिए फिर चलिए गाना सुना देती हूँ मैं आपको। पूरा नहीं सुना सकती हूँ क्योंकि एक मिनट पूरा नहीं सुना सकती हूँ क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, इसी वजह से थोड़ा सा मतलब जैसे मैंने जैसे मैंने ये मुखड़ा नहीं सुनाया था उस दिन, वैसे सुनाऊंगी आज। तो चलिए फिर मैं तो पूरा सुनूंगी बट आपको थोड़ा सा सुनाऊंगी, ये फैसिलिटी आज करने वाली हूँ मैं। चलिए गाना सुन लेते हैं इनका।
एक्चुअली जब मैंने आपको पिछली बार सुनाया था इनका गाना तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था और बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की थी अपने अपने मतलब गाने की, और बहुत लोगों ने बोला था कि आप ये गाना गाओ वो गाना गाओ, और इनको ना बहुत ज़्यादा पुराने के ही गाने पसंद है, तो पुराने ही गाने मतलब ज़्यादा गाते हैं ये। नए गानों में इतना ज़्यादा ताल सुर कहाँ रहता है यार, तो इसी वजह से वो पुराने गाने ज़्यादातर पसंद करते हैं गाना। और आप लोगों में से कुछ लोग नाराज़ भी हो गए थे मैंने इनका गाना दूसरे दिन आपको नहीं सुनाया, तो मैंने सोचा चलो आज सुना देती हूँ। आगे आप सुन लीजिए इनका गाना, और मैं पूरा नहीं सुना पाऊँगी क्योंकि क्या होता है कि कॉपीराइट का थोड़ा सा टेंशन आ जाता है अगर सॉन्ग डालते हैं। तो चलिए फिर आगे इनका गाना सुन लीजिए आप, और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। चलिए आपकी डिमांड तो पूरी कर दी मैंने, आई होप आपको भी पसंद आया होगा इनका सॉन्ग आज का भी, और कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अद्विक आपने नहा लिया? दीदी ने नहलाया आपको? हाँ और सब कर दिया, शैम्पू से सॉफ्ट सॉफ्ट कर दिया, बाल सॉफ्ट किए। माही ये क्या कर रही हो, ये स्पाइक ही ऐसी होती क्या माही? कुछ भी मामा, लाल लाल नहीं, लहान 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 लहान। अद्विक क्यों दिख रहे हो आप? अरे ये पीछे से स्पाइक होती है क्या? मई आपने हेयर स्टाइल बहुत अच्छी बनाई। अरे एक मिनट दिखाओ दिखाओ दिखाओ, एक अद्विक एक मिनट बेटा, मैं दीदी की हेयर स्टाइल देख रही हूँ। अरे वाह, मैंने इसका फोटो भी निकाला था। हाँ कब बनाई है आपने? मुझे तो अभी दिख रही है, ये देखो मेरे केशे केशे कौन से केशे है आपके? ये केशे हाँ। ये आपके केशे है क्या? बाल है अद्विक, बाल है तो उसको एक केशे बोलते ना। अरे यार हिंदी अद्विक आपकी, कब अच्छे से हिंदी सीखोगे आप? मेरे ने आपकी आपकी स्पाइक करो, खुद की करो, मेरे कर रहे खुद की करो ना। करो ना करो ना गो करो ना गो मेरे बाल। अरे 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 अद्विक उसके बाल दर्द करेंगे अद्विक। गाइस डिनर में आज बनी थी सिंपल सी खिचड़ी, और सिंपल खिचड़ी बनाई थी मैंने, कोई मतलब मसाले वाली खिचड़ी नहीं बनाई थी, जो दाल और राइस डाल के जो सिंपल खिचड़ी होती है वही बनाई थी। और आज बहुत सिंपल खाने का मन कर रहा था क्योंकि कितने दिनों से हो रहा है कि आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा हेवी हेवी डिनर हो रहा है, और वो एक हो रहा था कि यार नहीं आज सिंपल सा ही खाते हैं, तो इसीलिए खिचड़ी बना रही थी। और हमारा डिनर वगैरह हो गया है और बच्चे सोने के मूड में हैं अभी, क्योंकि मौसम बाहर थोड़ा सा बिगड़ चुका है। क्या हो रहा है कि रात को डेली बारिश हो रही है, थोड़ी सी क्यों ना हो बट बारिश हो रही है, इसीलिए बच्चे क्रिकेट वगैरह खेल नहीं पा रहे बाहर, तो नहीं तो इस टाइम में तो क्रिकेट ही खेलते हैं बच्चे बाहर, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं उसके पापा के साथ, तो इसीलिए अभी सोने के मूड में है वो, तो उनके पापा लेट गए उनको लेके, तो मैंने सोचा चलो आपसे बात कर लेती हूँ, आपको बता देती हूँ। और नाम भी लेने थे मुझे आप लोगों के, बर्थडे और एनिवर्सरी भी विश करना था, तो उससे पहले ना एक कमेंट बार बार आ रही है कि आपकी रिंग दिखाओ, तो ये फिंगर रिंग जो है वो उनको देखनी थी, तो ये कुछ इस तरह से है फिंगर रिंग, आप देख सकते हो, तो इसमें ना वो है स्टोन्स है क्रिस्टल एंड स्टोन्स, तो ये कुछ इस तरह से है, बहुत ज़्यादा शाइन करता है एक्चुअली कैमरा में, पता नहीं क्यों नहीं शाइन कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा शाइन करता है, और सिंपल सी है रिंग ऐसे इस तरह से, बट दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। जैसे ही मैंने इसे देखा था ना उस टाइम मेरे मतलब ऐसा था कि नहीं मुझे ये लेनी ही है, तो ये 6 ग्राम की है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब मोटी है ये, ऐसे पतली नहीं है, 6 ग्राम की रिंग है और बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है, ये जो स्टोन्स है इसमें के बहुत शाइन करते हैं, मेरी फेवरेट रिंग है। पहले ना मैं पहनती नहीं थी ये रेगुलर में, एक्चुअली इसमें स्टोन्स है इस वजह से मैं पहनती नहीं थी, बट मैंने सोचा चलो रखे रखे भी क्या करें, तो इसीलिए पहनना स्टार्ट कर दिया, तो काफ़ी दिनों से मैं 1 साल हो रहा है इसे रेगुलर पहन रही हूँ अभी,
एक्चुअली इन्होंने काफी बार बोला है मुझे कि ये रिंग दिखाओ बट ना मेरा ध्यान से निकल जाता था। मैं सोचती थी इस ब्लॉग में बताऊंगी इस ब्लॉग में बताऊंगी बट आपको एंड कर देती थी और ध्यान से निकल जाता था। तो अभी मैंने फाइनली आपको बता दिया। आई होप आप हैप्पी हो गए होंगे आज देख के रिंग मेरी। और चलिए फिर नाम ले लेती हूँ। आज बर्थडे और एनिवर्सरी है किसी की। रेखा पांडे ने रिक्वेस्ट की थी कि उनके बेटी का बर्थडे है, उन्होंने कमेंट की थी उनके बेटे का बर्थडे है, तो उनके बेटे का नाम है ऋषभ। तो हैप्पी बर्थडे डियर ऋषभ, और आपको सारी खुशियाँ मिले आपकी लाइफ में और आपको जो चाहे वो मिल जाए डियर। और सेकंड नाम है निधि तुपारे ने कमेंट की थी कि उनके मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, तो हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी अंकल आंटी, और आपको भी सारी खुशियाँ मिले आपकी लाइफ में और आज के दिन आप जो चाहो वो मिल जाए। और अब नाम लेने की बारी आ गई है, जो मैं दो नाम लेती हूँ डेली। तो आज का नाम है पूनम यादव ने रिक्वेस्ट की है उनके बच्चों का नाम लेने के लिए, तो उनके बच्चों का नाम है शरद एंड आराध्या। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ यू, और आपको भी सारी खुशियाँ मिले डियर आपकी लाइफ में। ये हैप्पी रहिए, सेफ रहिए और घर पे रहिए। और सेकंड नाम है रीता वर्मा। तो कॉन्ग्रेचुलेशन डियर, और आप भी सेफ रहिए, हैप्पी रहिए, घर पे रहिए और आपको भी सारी खुशियाँ मिल जाए आपकी लाइफ में। तो चलिए फिर इसके साथ ही इस ब्लॉग को यही पेंट करती हूँ। और अगर आपका नाम इस ब्लॉग में नहीं आया है तो आप इस ब्लॉग पे कमेंट करके बता सकते हो मुझे, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपका नाम लेने की जरूर कोशिश करूंगी। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज, हॉल वीडियोज, मेकअप वीडियोज इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। और हाँ, जब भी आप सब्सक्राइब का रेड बटन दबाओगे उस पर जो मैं एक बेल आइकॉन आएगा उसको दबाना मत भूलिएगा। उससे क्या होगा कि मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और उसे आप सबसे पहले देख पाओगे। क्योंकि क्या होता है कि काफ़ी लोगों की कंप्लेंट होती है कि आप सब्सक्राइब तो कर देते हो उसके बाद आपको नोटिफिकेशन ही नहीं मिलता है, और आप बोलते हो कि मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, तो उसी की वजह से होता है। क्योंकि आप रेड बटन दबा देते हो सब्सक्राइब का, उसके बाजू में जो बेल आइकॉन होता है वो नहीं दबाते हो, तो उसे दबाना जरूरी है। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।